नमस्कार, मैं अनिल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराजगंज नगर पंचायत में। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का सिलसिला तेज़ हो चुका है, उसे उसे प्रत्याशियों का भी दौरा तेज़ हो चुका है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार सोनी जी, जो भावी वार्ड पार्षद हैं। तो सबसे पहले संजय जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संजय जी, प्रत्याशी तो बहुत सारे चुनाव मैदान में आएंगे, क्या मुद्दा लेके आप चुनाव मैदान में आए हुए हैं? मेरा यही मुद्दा है कि जो मेरी वार्ड में जो अभी काम अधूरा पड़ा है, तो मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरा यही मुद्दा है। और जो रह गया सवाल कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को दुरुस्त रखेंगे हम। स्वास्थ्य तो आपके वार्ड में है ही नहीं, देख रहे हैं नाले का स्थिति जो है काफ़ी बदतर है। नाले की स्थिति बदतर है, तो जो पहले के जो आते हैं, जो वादा करके जाते हैं, वो काम कहाँ कर पाते हैं? तो अभी तो वादे कर रहे हैं। तो हम तो वादा करेंगे तो काम करने के लिए करेंगे, 100% का दावा करते हैं कि हमको काम को सफल करने का प्रयास करेंगे और दिखाएंगे काम। चुनाव से पहले सभी बोलते हैं कि हम वादा कर रहे हैं, 100% वादा करेंगे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो भी बदल जाते हैं। चुनाव की एक अलग बात है, जो वादा करने के पहले ये हमारी वार्ड है। नहीं, वार्ड के मतलब है कि साफ सफाई, जो कि अभी नल जल का काम भी पूरा नहीं हुआ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के एथी से 7 निश्चय में जो जल नल भी आता है, वो अभी उसका भी कार्य पूरा नहीं हुआ। कि जो अभी पाइप बिछा है उसमें भी पानी अभी नहीं आ रहा है, और जो अभी बिछा ही नहीं है, उसके लिए मैं उसका काम करने का पूरा करेंगे। तो जो भी काम अधूरे छूटे हुए हैं, तो यहाँ पे जो वर्तमान है उनसे आप लोगों ने आग्रह किया था कि नहीं कभी? उस वर्तमान में जो है तो उसको क्या अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। मैं अगर जनता ने हमको मौका दिया तो उसको काम करने में खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपके जहन में कैसे आया कि हम वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ें, क्या देख के सोच के लड़ रहे हैं? मैं यही सोच के लड़ रहा हूँ कि आज तक मैं देखा कि अभी तक जो हमारे गली 2-3 गो बाकी है, जहाँ तो नाला की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है, मैं उसमें घूम घूम के देखा कि भाई इसमें एक बार हमको आना चाहिए। उसमें आने के बाद मैं सोचा कि एक बार अगर सफल होते हैं तो इसे काम को हम पूरा शीघ्र ही प्यारा प्रयास करेंगे और बनाने का काम करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं माने आप लोगों के आश्वासन पर चुनाव लड़ रहे हैं कि लोगों ने आपको बोला कि आप? यही मेरा वादा है। तो आपके वार्ड में मुख्य रूप से कौन सी कमियां दिखाई दे रही है? सर्वप्रथम पहले नल जल, पहले नल जल को हम दुरुस्त कराएंगे, क्योंकि पानी हमारे मोहल्ला भी अभी नहीं आया है, ना पाइप बिछा है, और जहाँ पाइप बिछा है उसमें पानी भी कहीं कहीं आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा है। उसको हम बनवाने का प्रयास करेंगे, जो भी काम हुआ कार्य अधूरा है उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि काफ़ी मतलब साफ सफाई को भी लेकर मतलब काफ़ी गंदगी फैली हुई है, और हर एक तरफ कूड़ा कचरा फेंका गया है, तो डस्टबिन की भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? डस्टबिन तो वो उधर रखा है, लेकिन वर्ग जो कोई नहीं रखा है, बस यही बात है। तो चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहिएगा जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके क्षेत्र की जनता देख रही है? मैं जनता से निवेदन करता हूँ, एक बार हमको मौका दे, और मौका में आप अगर मैं सफल हुआ तो विकास में उतरने का प्रयास करेंगे, और जो अधूरा काम है उसे पूरा करने का कार्य करेंगे। यही मेरा आप लोग से जनता से निवेदन है, एक बार हमको मौका दें। तो आपने साफ तौर पे देखा कि संजय जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर यहाँ की जनता हमें एक बार मौका देती है तो अपने वार्ड को विकास की तरफ ले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ, मैं अनिल, महाराजगंज।